सो हेलो गाइस, हेलो। तो यार ये आप मतलब इस समय एनआईटी के अंदर में दिवाली का ब्रेक हुआ है, मतलब 10 दिन का ब्रेक हुआ है, तो ये लोग कुछ लोग घर जा रहे हैं, तो पूछते हैं लोग यार मतलब कैंपस की याद आएगी या फिर ये इनको घर जाने की ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो आप लोग का मतलब कौन सी ईयर से है? मेरा तो एमएससी सेकंड ईयर। आप भी? मेरा भी सेम एमएससी सेकंड ईयर। तो आपको मतलब कैसा लग रहा है मतलब घर जा रहे हैं इस समय आप लोग? अब तो मतलब तीन महीने के बाद जा रहे हैं ना, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है कि घर वाले को मिलेंगे। ओके। हाँ, ये तो न्यूट्रल फीलिंग भी है, मतलब जाना भी है नहीं भी जाना, मतलब ये ना कि मतलब न्यूट्रल। कहाँ से हम लोग? मेरा तो ओडिशा है। आप? राजस्थान। तो ये गाइस ये काफ़ी दूर से मतलब नाइटी जनता में लोग मतलब ज़्यादातर लोग काफ़ी दूर से आते हैं, तो जब ये घर जाते हैं इनको काफ़ी एक्साइटमेंट मिलती है। लाइक तो कैंपस की वो याद आएगी? हाँ वो तो आएगी ना आपको, आएगी कैंपस की याद भी आएगी और दोस्तों की याद आएगी। कैंटीन हो गई, नाइट कैंटीन, स्नैकर्स हो गया, बड़ी याद आएगी। बट घर वालों का भी होता है ना, तीन महीने बाद जा रहे हो तो बड़ा फेस्टिवल है तो मतलब अच्छा आएगा उधर। तो मतलब कैंपस काफ़ी सुना सुना हो जाएगा इससे, मतलब बहुत कम लोग रह जाएंगे। सुना सुना हो चुका है, मतलब यहाँ से सब बच्चे रोज जाते हैं, करते तो मन करता ही है। अभी हमारे भैया ये भी जाएंगे ही, आज कल में निकलने वाले हैं ये भी। तो मतलब पहले कैंपस कैसा लग रहा था और आज कैसा लग रहा है आपके हिसाब से? पहले तो बहुत मतलब भीड़ भीड़ जैसा लग रहा था, अच्छा लग रहा था। और आप ही अगर घूमोगे ना तो पूरा भीड़ है, कोई भीड़ नहीं है, तो पहले से थोड़ा मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा है। घर एंजॉय करके आउट। ओके ओके, अच्छा। थैंक यू। मतलब हैप्पी दिवाली।